नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे infoedge.com के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रीजंस की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट दोस्तों जो कंपनी के देखने को मिले, आपसे बताना चाहते हैं। कंपनी का एक ही बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि प्रॉफिटेबल है, अच्छा है दोस्तों, जो कि कंपनी रन कर रही है, जो कि मेन कोर बिजनेस है कंपनी का। और अगर हम सारे बिजनेस की बात करें तो सारा जो है कंपनी का सेगमेंट वाइज सारा कुछ जो रिजल्ट देख लिया दोस्तों, कंपनी के सभी जो है कि बिजनेस डाउन है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों कंपनी में देखा जाए तो लगभग ये कंपनी 50% डाउन हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी इस स्टॉक में दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर, आज InfoEdge के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करते दोस्तों, तो आज के दिन लगभग 9.5% 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली। इसके पहले की बात करते दोस्तों, एक साल में ये कंपनी लगभग, माफ करना, 5 साल में 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। अगर एक साल की बात करते तो एक साल में ये कंपनी लगभग 23% के आसपास डाउन है। ऐसे में अगर हम 5 साल के चार्ट को देखते दोस्तों, तो ये कंपनी का आप अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक ये कंपनी लगभग 50% के आसपास ये कंपनी डाउन है। अगर एग्जिट हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50% के आसपास ये कंपनी डाउन है। रीजंस की बात करें तो कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में लगभग 10% गिरावट देखने को मिली। अगर राहत की बात करते हो तो जेपी मॉर्गन की बात करते हो तो उन्होंने जो है कि 4650 रुपये इस कंपनी का टारगेट प्राइस रखा है। यहां पर भी देख सकते हो दोस्तों, जो कंपनी का नेट लॉस था जो कि देखा जाए तो अक्टूबर और दिसंबर में ही देखने को मिला, यहाँ पे भी देख सकते, मतलब सारा न्यूज़ देखा जाए दोस्तों, तो जो कंपनी के रिजल्ट हैं दोस्तों, रिजल्ट में ही दोस्त मतलब क्या है, रिजल्ट को ही देखने को मिले। और कंपनी के जो बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस भी कंपनी का देखा जाए तो एक ही बिजनेस छोड़ करके, मतलब जिसके ऊपर भी हम आएंगे, चलिए हम आगे डिस्कस कर। लोग क्या है कि रिजल्ट को जो है कि ब्लाइंडली देख रहे हैं, तो ऐसे में आपसे बताना चाहता जो राहुल यादव हैं जो कि स्टार्टअप फोर बी जो है कि बिजनेस नेटवर्क कंपनी ने जो है कि स्टार्ट किया है, जिसमें जो है कंपनी निवेश किया है, देखा जाए तो सबकी सब्सिडरी एक ही है दोस्तों, नौकरी ही सबका जो है कि कंपनी में। बहुत सारे बिजनेस इसके पास है दोस्तों जो कि लॉस मेकिंग है, तो सबकी पेरेंट्स कंपनी दोस्तों एक ही है, जो कि इंपैक्ट इसी कंपनी के ऊपर पड़ते हुए दिखता है। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जो है कंपनी के सेल्स में जंप है। किसमें दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है रिक्वायरमेंट सोल्यूशन ही कंपनी का, 90 एकर्स की बात करें फॉर रियल एस्टेट में, ये कंपनी का बिजनेस भी देखा दोस्तों तो चल रहा है। लेकिन यहां पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में जो है कि कंपनी डाउन है, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। कंपनी का जो एक ही बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिक्वायरमेंट सोल्यूशन ही चल रहा है, उसके बाद अदर्स की बात कर ले, चाहे दोनों की बात करें दोस्तों, दोनों ही जो कि ब्रैकेट में देखते हुए की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी करती क्या, जैसा कि हमने देख लिया कंपनी का मेन जो कोर बिजनेस है दोस्तों naukri.com है, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 90 एकर्स, ऑनलाइन रियल एस्टेट, जीवन साथी, बहुत सारे जो है कंपनी के पास बिजनेस है दोस्तों जो कि इंटरनेट सर्विस ही कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब दोस्तों आपसे जितना भी इंटरनेट पर दोस्तों आपको बिजनेस या कुछ भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इंटरनेट सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक लार्जेस्ट बिजनेस इन ऑनलाइन कंपनी करती है, जो कि 94% का रेवेन्यू रिक्वायरमेंट से कंपनी के पास। कंपनी की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 3464 का। हायर साइड की बात करें 5,000 कंपनी का हाई है, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं एक्चुअल में ये कंपनी 50% डाउन है, 3300 का कंपनी का लो है। अगर हम पी की बात करते हैं 61 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 1100 के आसपास है। आरओसी आरओई देखा जाए तो ठीक ठाक है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी देखा जाए तो अपने सेक्टर में लीडर है, जिसका देखा जाए तो पी की बात करें तो पी देखा जाए तो एकदम रीजनेबल है। कंपनी की बात करें तो कंपनी भी देखा जाए तो मोनोपोली आप इसको बोल सकते हैं। एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंपनी देखा जाए दोस्तों तो ठीक ठाक ही है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ सारा जो है कंपनी का ठीक ठाक ही है दोस्तों अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इसको क्या है कि मार्केट ने छोड़ा नहीं दोस्तों, मतलब आप देखेंगे तो एस्टिमेशन क्या है कि अभी भी जो है कि मिस जो है कि कंपनी के हैं, मतलब 46 करोड़ का इस बार की बात करें तो 46 करोड़, और अगले बार की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लगभग अदर्स इनकम को जो है कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, ब्लाइंडली रिजल्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो एक्सेप्शनल आइटम है, आपसे बताना चाहते हैं कि पहले कितना था, 4800 करोड़ का ओनली कंपनी के पास एक्सेप्शनल आइटम जो कि अदर इनकम था, और अभी की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, जो कि अदर्स इनकम जो है 34 करोड़ माइनस है। तो यहाँ पे देखा जाए जो कि कंपनी के रिजल्ट थोड़ा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर हम कंपनी के पीएनएल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल सेल्स ग्रोइंग में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो आप देख ही सकते हैं, जो कि 5000 करोड़ इसी में जो है कि इंक्लूड है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी 12-15% के आसपास है लॉन्ग टाइम में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंपनी क्या करती है कि इंटरनेट वाली कंपनियां दोस्तों एक हाल लेगी, उसी में सब इंप्लॉइज को दोस्तों बैठाएगी, और बैठा करके जो है कि एक ही मतलब
आपसे बताना है, मतलब एक ही हाल में बहुत सारा जो है कि एक्सपांस करने की जरूरत नहीं कंपनी को। अगर CGR की बात करते हैं तो कंपनी के पास 10% के आसपास जो है कि 3 साल का रिटर्न है, 5 साल का देखा जाए 25%, 10% 10 साल की बात करें लगभग 27% के आसपास। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 10-12 के। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 14,000 करोड़ का रिजर्व्स है ये कंपनी, देखा जाए तो प्योर आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अगर ऐसे दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया जैसा कि आप देख सकते हैं। रही बात FIS की बात करें तो FIS के पास 31.88% का स्टेक है। DIS की बात करें तो DIS ने भी माल को एक्यूमुलेट किया। और स्टॉक की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे टेस्टर दोस्तों फंसे हैं, तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी का चाल ही इसी प्रकार से है। और कंपनी की बात करें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। बहुत बड़ी होने का मतलब क्या है, कंपनी एक प्रकार से आप इसको मोनोपोली बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास जो अदर्स बिजनेस है वो इस कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट पहुँचा रहे हैं। और कंपनी जो है कि हर कदम कदम पे जो है कि मतलब अपना जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों उसको बढ़ाते जा रही है। अगर हम DIS की बात करते हैं, DIS ने माल को एक्यूमुलेट किया है, इसमें गवर्नमेंट्स भी कुछ इन्वॉल्व है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने जो है कि माल को सेल किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक में जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक देर तक नहीं टिकती है। अदर्स की बात करें कुछ तो इसकी बात करें तो ये कंपनी आप देख सकते हैं इंटरनेट कडलॉक रिटेल कंपनी जो है कि है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस है, नियर बाउंड बिक के लो के करीब ये कंपनी 10% के आसपास आज के दिन गिरावट दर्ज हुआ है। अगर कंपनी वैल्यूम की बात करते हैं तो आज के दिन इस कंपनी में कुछ ज़्यादा ही जो कि सेलिंग अपने को देखने को मिला है, जिसके कारण हाई वैल्यूम भी बना है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इस स्टॉक में देखेंगे तो लगभग इसके पहले वैल्यूम बनता ही था 7 लाख 2 लाख 1.5 लाख, मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूम नहीं आपको देखने को मिलेगा। 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 7 लाख की दोस्तों एक मतलब हाई वैल्यूम और हाई आप इसको डिलीवरी कंसीडर बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों अभी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं लगभग 50% कंपनी डाउन है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, शॉर्ट टाइम में आपको ये कंपनी जो है कि पेन दे सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि दोस्तों इस कंपनी का जितना भी बिजनेस आपको देखने को मिलेगा सारा बिजनेस जो है कि इंटरनेट पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब दोस्तों ये कंपनी जो है कि ऑनलाइन सर्विस जो है कि प्रोवाइड करती है। तो ऐसे दोस्तों ऑनलाइन सर्विस में दोस्तों आपको पता है कि कंपनी जो है कि एक्सपांस 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 जो है कि करती चली जाएगी। तो ऐसे जब जितना एक्सपेंसेस करेगी दोस्तों तो उतना जो है कंपनी बिजनेस अपना बढ़ाएगी दोस्तों। तो उसमें क्या है कि कुछ बिजनेस में लॉस होंगे तो कुछ बिजनेस में जो है कि प्रॉफिट होंगे, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी को जो है कि बहुत ज़्यादा लॉस होंगे। जो नई बिजनेस करेगी दोस्तों उसमें लॉस होंगे, एडवर्टाइजमेंट हाल जो कि मतलब रेंट तमाम ऐसे जो है खर्चे आएंगे दोस्तों। तो उसमें जो है कि कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। कंपनी के पास बहुत सारी जो है कि इंटरनेट सर्विस है। तो फिर दोस्तों जो इंटरेस्टर सोच रहे हैं फंस गए दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है मेरे पॉइंट से 3,000 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक जल्द ही 4,000 के आसपास जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।